नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार में मैट्रिक के परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो गए हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने, यानी कि हम कह लें BACB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने, मैट्रिक टॉपरों को इनाम देने की बात कही है। बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परिणामों के बाद मैट्रिक के टॉपरों की सूची और इनाम की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें कि इस साल 16,54,171 छात्रों में से 12,93,054 छात्र बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में पास हुए हैं, जबकि 3,00,000 से ज़्यादा छात्र मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गए हैं। मैट्रिक की परीक्षा में पहली बार हुआ है कि टॉप 10 में 101 छात्र शामिल हुए हैं। अगर हम बिहार टॉपर की बात कर लें तो इस साल 3 छात्रों का नाम आया है, जिसमें से सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय की पूजा कुमारी और शुभदर्शनी हैं, तो वहीं संदीप कुमार जो कि रोहतास जिले के रहने वाले हैं, इन्होंने टॉप 3 में अपना स्थान बनाया है। रिजल्ट जारी होने के बाद अब स्क्रूटनी के तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी को 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को हर विषय में 70-70 रुपये देने होंगे। वहीं छात्र छात्राएँ बिहार बोर्ड ऑनलाइन bihar.gov.in पर जाकर अपना स्क्रूटनी का आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड में मैट्रिक के नतीजों के ऐलान के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने टॉपर के लिए इनाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि BACB इस बार 10 टॉपरों को पहला स्थान हासिल करने वालों को 1,00,000 रुपये देगी। इसके साथ ही टॉपर को एक लैपटॉप के साथ किंडल ई बुक भी दिया जाएगा। वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाले टॉपर को 75,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें एक लैपटॉप के साथ ही किंडल ई बुक भी दिया जाएगा। तीसरा स्थान हासिल करने वालों को 50,000 नगद दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें एक लैपटॉप के साथ एक किंडल ई बुक भी दिया जाएगा। चौथे स्थान से 10वें स्थान तक रहने वाले अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये और अभ्यर्थियों को एक एक लैपटॉप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से दिया जाएगा। साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण 10वीं कक्षा के रिजल्ट 26 मई 2021 को घोषित किया गया था। 2020 में बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में 80.59% छात्र पास हुए थे। बोर्ड के अनुसार पिछले साल 10वीं के परीक्षा में 4,00,000 से ज़्यादा विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, तो वहीं 52,000 से ज़्यादा छात्र जो है वो सेकंड डिवीजन से पास हुए थे। वहीं 2,00,000 से ज़्यादा छात्र जो है थर्ड डिवीजन से पास हुए। आपको बता दें कि साल 2020 में टॉप 10 की लिस्ट में 41 स्टूडेंट ने अपनी जगह बनाई थी। लड़कियों में जुलू कुमारी ने टॉप किया था। उन्हें 500 में से 478 अंक मिले थे। जुलू ने कहा कि स्टेट बोर्ड की किताबों के अलावा उन्होंने NCERT की टेस्ट बुक की भी पढ़ाई की थी। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2021 के रिजल्ट में सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय के छात्रों ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। आपको बता दें कि साल 2015 के बाद से लगातार बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में सिमुतल्ला के छात्रों ने टॉप 10 में अपना जगह बनाया है। ऐसे में इस बार भी टॉप 10 में सिमुतल्ला के 13 छात्र ने अपना स्थान बनाया, जिसमें से 2 छात्राएं टॉप पर काबिज है। इस बार टॉप 10 में 101 छात्र शामिल हुए, जिसमें से 70 से ज़्यादा यानी कि 71 छात्र जो है गांव और कस्बों से आते हैं। इधर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि मूल्यांकन शुरू होने के 25 दिनों के भीतर जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया। मौके पर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार भी मौजूद रहे। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार ने बताया कि टॉप 10 में 7 स्थानों पर लड़कियों ने बाजी मारी है। मैट्रिक की परीक्षा में बेटियों द्वारा बाजी मारना बिहार सरकार और नीतीश कुमार की सफलता का नतीजा है। कदाचार मुक्त परीक्षा मूल्यांकन और कम समय में रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए बिहार बोर्ड को भी बधाई के पात्र हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।